मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 9 और उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। एक बार फिर कांग्रेस ने दल बदलुओं पर भरोसा जताया है, जिनमें हाल ही में बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुई पूर्व विधायक पारुल साहू को सुरसी विधानसभा सीट से टिकट दिया है। नाम का ऐलान होने के बाद पारुल साहू का बड़ा बयान सामने आया है। पारुल साहू ने सुरसी से टिकट देने पर पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ का आभार जताया है। वहीं शिवराज सरकार में परिवहन मंत्री और सिंधिया समर्थक गोविंद सिंह राजपूत का दावा किया है। इसके पहले कांग्रेस में शामिल होते ही पारुल ने कहा था कि चुने हुए जनप्रतिनिधि ने कांग्रेस परिवार और सुर्खी की जनता के स्वाभिमान को चोट पहुंचाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि जनमत और लोकतंत्र को बेचकर सुर्खी में जिस तरह से अहंकार और डर का बोलबाला हो रहा है, उसे समाप्त करने का मैंने बीड़ा उठाया है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और सुर्खी की जनता की ताकत के बल पर एक बार फिर वहां लोकतंत्र और जनमत का परचम लहराएगा। उपचुनाव में पारुल साहू शिवराज सरकार में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को टक्कर देंगी। हालांकि यह पहला मौका नहीं है। इसके पहले पारुल साल 2013 के विधानसभा चुनावों में राजपूत को हरा चुकी हैं, लेकिन अब परिस्थितियां अलग बन चुकी है। पहले पारुल बीजेपी में थी और राजपूत कांग्रेस में थे, लेकिन अब पारुल कांग्रेस में और राजपूत बीजेपी में है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो अब के उपचुनाव में फर्क केवल इतना है कि जो पहले कांग्रेस प्रत्याशी थे वह अब बीजेपी प्रत्याशी हैं, और जो पहले बीजेपी प्रत्याशी थी वह अब कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी है। उपचुनाव में कांग्रेस के इस दाव ने सागर और सिंधिया के सियासी खेमे में हलचल मचा दी है। एक तरफ पारुल की छवि एक भद्र राजनीतिज्ञ के रूप में मानी जाती है, और विदेश से पढ़ाई करके वापस लौटी पारुल हमेशा सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों को उठाने को लेकर चर्चा में रही। कांग्रेस छोड़कर आए राजपूत के लिए व्यक्तिगत तौर पर यह चुनाव महत्वपूर्ण है, तो वहीं इस चुनाव के नतीजों का बुंदेलखंड की राजनीति पर असर होना तय है। इसकी वजह भी है क्योंकि सागर जिले से शिवराज सिंह चौहान मंत्रिमंडल में, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह राजपूत मंत्री हैं। बीजेपी भी सुर्खी विधानसभा क्षेत्र को लेकर गंभीर है। यही कारण है कि पार्टी जहां घर घर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर राजपूत ने मतदाताओं का दिल जीतने के लिए रामशिला पूजन यात्रा निकाली और बीजेपी कार्यकर्ताओं से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं। खैर, अब चुनाव का परिणाम ही बताएंगे कि दोनों दिग्गजों का दल बदलना कितना सार्थक रहा और जनता ने किसे चुना। जानकारी सूत्रों एवं सूत्र स्रोत से प्राप्त है। इस जानकारी पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। SPN9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।